वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। ये एक्शन वीडियो है सितारा यासीन जी पे, तो इंट्रो के बाद मिलते हैं, जल्द मिलते हैं। वेलकम बैक। आज का व्लॉग हमने सितारा जी का देखा, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि उनके बच्चे की पढ़ाई जो है आया था, वो स्कूल नहीं जा पा रही है, बच्चों की पढ़ाई उनकी छूट गई है। तो बात ये है कि हस्बैंड ने जो है पढ़ाई छुड़वा दी, सेकंड मैरिज करने के बाद जितनी उधारी उनके ऊपर है उसके चक्कर में उन्होंने बच्चे की पढ़ाई तक छुड़वा दी है। तो आज सितारा जी को दुख में देखा कि किस तरह से वो टेंशन ले रही है, और बिल्कुल टेंशन होगी, एक माँ को टेंशन होगी अगर उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। तो उनको ये टेंशन है कि किस तरह से, जब सेकंड मैरिज अभी हुई थी उसी समय से उनके हस्बैंड ने बच्चों की पढ़ाई छुड़ाई है। तो वो अपने में ये सोच रही है कि वो इतनी कैपेबल है कि वो बच्चों की पढ़ाई करा सकती है, तो जब भी नए एडमिशन शुरू होंगे तो वो बच्चों की पढ़ाई जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगी। तो बात ये है कि कर्जा इतना होना और उसके बाद उस पर सितारा जी को बताना या सितारा जी पे खर्चा करने का डिपेंड होना इनके हस्बैंड के लिए किस तरह की बात है, उनको जरा सा भी इस चीज़ का मलाल नहीं है कि इसके साथ ऐसा किया, इतना गलत किया एक औरत के साथ, एक बीवी के होते हुए। और दूसरी बात, एक बीवी जो कि तीन बच्चे, इनकी ही तीन बच्चे की माँ है, उसके सामने ही अपने सेकंड वाइफ के साथ उसी घर में, जी हाँ बिल्कुल, सितारा यासीन ने अपना घर छोड़ के उसको रेंट पे उठाने के लिए रखा है, वो भी उनके हस्बैंड ने इनको समझाया, और हस्बैंड ने जो नया मकान रेंट पे लिया है उसमें जो है ये ऊपर शिफ्ट हुई है। आधी शिफ्टिंग इनकी हो चुकी है, ये शिफ्ट हो चुकी हैं। नया फर्नीचर इन्होंने हस्बैंड के बातों पे खरीदा है, दूसरों के किसी के बातों पे नहीं। हस्बैंड ने जो सुझाया कि सेट ले लो जिसमें कि आपको ड्रेसिंग टेबल, बेड और जो कबर्ड होता है वो साथ में मिलेगा, तो वो हस्बैंड के साथ ही जाके पहली और दूसरी मिसेस के जो भाई जहाँ काम करते हैं दुकान में, वहाँ से इनके दिलवाया है, चाहे वो 50% ऑफ में दिलवाओ चाहे जो भी है, उससे लेके इन्होंने अपने नए वाले घर में शिफ्ट किया है मैट्रेस वगैरह लेके। तो इनकी मम्मी ने कहा कि ऊपर वाला पोर्शन लेना, क्योंकि नीचे रहोगी तुम रोती रहती हो, ऊपर से वो लोग साथ में घूमने जाएंगे, साथ में हंसेंगे बोलेंगे, तुम्हारे सामने दिखेंगे, तुमको कष्ट होगा, तो तुम ऊपर वाला पोर्शन लो जिससे कि वो नीचे से कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुमको कम से कम सामने नहीं दिखेगा। जब तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे पास आना होगा तो वो खुद ऊपर आ जाएंगे, जब वो तुम्हारे बच्चों के पास आना होगा तो वो खुद ही ऊपर आ जाएंगे। ये सब हम तो कह रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है सिर्फ उसका दिल ही जानता है कि वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है। अब हम लोग अपने ऊपर ना लें, लेकिन फिर भी बातों में मुंह पे आ ही जाता है कि अगर हम लोग पे गुजरती तो हम लोग कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। फिलहाल भगवान के पता नहीं असीम कृपा है कि ये सब चीज़ें बर्दाश्त हम लोग को नहीं करनी पड़ी है और ना करनी पड़ेगी। तो बात यह है कि इस तरह की चीज़ें इनको इसलिए झेलनी पड़ रही है, सब लोग इनको कमेंट्स में बोल रहे हैं कि आप अपना वाला घर छोड़ के रेंट पे वाले पे उनके साथ रहने मत जाइए, बहुत लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये रेंट पे मत दीजिए इस मकान को, क्योंकि ये रेंट भी वो उनके हस्बैंड ही ले लेंगे जिससे कि उनका कर्जा पटेगा। तो लेकिन इनका प्रोस्पेक्टस क्या है, इनकी तरफ से अगर सोचा जाए तो बात ये होती है कि एक हस्बैंड, एक वाइफ को, एक औरत को हस्बैंड की काफ़ी ज़रूरत होती है, चाहे वो घर बच्चों के लिए हो चाहे बाहर के काम के लिए हो, हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जिनके पास है वो उनसे दूर नहीं रह सकते हैं, जिनके हस्बैंड हैं। अब हम लोग को भी 50 काम होते हैं, तो जिसमें कि दौड़ दौड़ के हम हर चीज़ अकेले नहीं कर सकते, बच्चे के लिए उसके बाप का भी होना, तीन तीन बच्चे जिनके हो, जिसके हो कम उम्र में, 25-26 की उम्र में बड़े बच्चे, तीन बच्चे हैं उनके, छोटी वाली आयत तो अभी कोर्ट में ही है, तो अकेला ज़िंदगी गुजारना औरत के लिए बहुत मुश्किल है। बस यही सब सोच के, बच्चों के लिए सोच के इन्होंने अपना फैसला लिया कि हमको वहीं जाके रहना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड दूर रहेंगे, अपने घर रहेंगे ये अगर, और हस्बैंड वहाँ रहेंगे तो क्या पता इनके हस्बैंड इनके पास आए कि ना आए, ये भी तो एक शंका हो रहे लगी रहेगी। और जब दूसरी आ गई है तो इनके पास आए ना आए, ये भी सच बात है। तो ये इतना सब सोच के इन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस मकान को छोड़ के वहीं पे रहना उचित है, कम से कम आंखों के सामने रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कम से कम नीचे से ऊपर बुला सकते हैं। इतना सब सोचने के बाद ये जो है वहाँ पे जाके शिफ्ट होने को राज़ी हुई हैं। अब देखना ये है कि इस किस तरह से इनके सामने, आंखों के सामने जो भी होगा, जैसे वो भी होगा, और किस तरह से ये इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगी और कैसे अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार पाएंगी। हम लोग भी दुआ करते हैं कि आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी हो, आपको आपके बच्चों को, आपको अपने पति का प्यार मिले, और आपका घर परिवार जो है वो पहले की तरह तो नहीं कह सकते क्योंकि अब तो हिस्सा बांट के लिए आ ही गई हैं, तो लेकिन सुकून से आपकी ज़िंदगी गुजरे, हम लोग भी यही चाहते हैं।
आज का रिएक्शन जो है यहीं तक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं डालूँ बेल आइकन कॉल पे करने से जो भी वीडियोस डालूँगी आप तक आप नोटिफिकेशन पहुँचेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए।